आज हैं हम बवाना विधानसभा में और हमारे साथ हैं बवाना विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रंजीत राम जी। आइए हम जानते हैं उनसे कि उनकी विधानसभा में उनका प्रचार अभियान कैसा रहा और हार के क्या प्रमुख कारण रहे। रंजीत राम जी, आपको बहुत 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 धन्यवाद। मैंने बहुत खूब ज़ोरों से प्रचार प्रसार में खूब वन टू वन लोगों के पास गया और मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो मुझे लगा कि लोग मुझे काफ़ी इज्जत देंगे और लोगों ने दिया भी, इसकी मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन कई कमियां रह गई जिसमें कि हम बहुजन समाज के लोग, हमारी संख्या ज़्यादा है और संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई कि लोग बूथ पर जाकर बटन किसी और का दबा देते हैं। ये मुझे चिंता का विषय मुझे लगा। बहुजन समाज पार्टी का आधार है सामाजिक संगठन, जो कि मिशन मूवमेंट का बहुत तल्लीनता से काम करने का दावा करते हैं। तो ये जो आपकी विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा बवाना विधानसभा से, इसमें इन सामाजिक संगठनों का क्या भूमिका रही? सामाजिक संगठन जो भी लोग हैं उनको थोड़े से और एक्टिव होना पड़ेगा, मतलब कुछ लोगों को कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर उसमें हम उत्प्रेरकों को, कैटलिस्ट को थोड़ा सा पहले से लाएं और लोगों को समझाएं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि हमारी सीटें यहाँ से दो चार की क्या उम्मीद करें, हम सरकार भी बना सकते हैं। कई संगठन सक्रिय हैं समाज के अंदर जो है, तो आपके यहाँ पर इस तरीके से कौन से संगठन ने अपने आपके चुनाव अभियान में अपनी भूमिका निभाई? हमारे में आपके वाम सेफ, उन्होंने कुछ मदद की हमारी, मतलब आए वो, मिले लोगों से, बस समझाए लोगों से, और एक आध दो संगठन रहे होंगे इनका मुझे थोड़ा सा नाम नहीं पता है। तो ऐसे करके अगर सारे संगठन एक साथ हो जाते और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते तो शायद हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाते। तो अपनी हार के लिए आप जो किसको दोषी ठहराना चाहेंगे? दोषी तो मैं अभी तो किसी को क्या कहूँ, लेकिन क्या बात यह है कि भाई आगे से अब दोषी करके तो हम समाज को नहीं चाहते कि समाज हमारा फिर से वो टूटे, लेकिन आगे के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आगे के लिए जो रणनीतियाँ बनाई जाए ताकि कोई भी मैदान में, चुनाव के मैदान में अगर उतरता है तो वो सिर्फ उतरने से नहीं होगा, वो जीतने के लिए उतरे, तो आगे से सहूलियतों जो कमियाँ रह गई उसको पूरी कर ली जाए। तो राजनीति में भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? भविष्य में मेरी यही प्लानिंग है कि देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को मजबूती से उनके वो बात को समझें कि हम बहुजन समाज के लोग हैं और हमें, हमारी पार्टी अगर का कोई भी प्रत्याशी किसी भी विधानसभा से खड़ा होता है तो उसको हम अधिक से अधिक वोट दें और उसको जिताएँ, विजयी बनाएँ, और यही मजबूती होगी पार्टी के लिए भी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारे को नहीं दिखाती है, कहीं पर भी हमारे प्रत्याशी को कहीं भी नहीं दिखाती है, बहुजन समाज पार्टी का नाम तक नहीं लेती है, तो ऐसे में जिम्मेदारी थी बहुजन मीडिया की। तो आपके क्षेत्र में बहुजन मीडिया ने क्या अपनी भूमिका निभाई? हमारे क्षेत्र में लोगों ने काफ़ी पूछा भी कि कैसा चल रहा है, कि आपका कैसा कैंपेन चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। नहीं, बहुजन मीडिया ने आपके क्षेत्र में कोई भूमिका निभाई क्या? मेरी अभी तो किसी से मुलाकात ऐसे तो नहीं हुई है बहुजन मीडिया से कि भाई उन्होंने कुछ हमसे, एक दो लोगों का फ़ोन आया था कि हमसे सवाल वगैरह किए कि कैसा चल रहा है, इतना ही बात हुई थी मेरी। देश से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए NV News को करें सब्सक्राइब, लाइक।